लाबान बहुत लालची बन गया। वो सारे जानवरों को अपने पास रखना चाहता था। उसने याकूब को फिर मूर्ख बनाने का सोचा। राहेल, मैं शहर की तरफ जा रहा हूं, शाम होते ही आ जाऊंगा। वो गया, आओ मेरे बेटों। हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हमारे खेत पर। परंतु ये हमारे भी खेत हैं, फिर हम क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि याकूब को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं पिताजी? चुप रहो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वही करो। माफ करना पिताजी। ए, तुम काले वाले इधर आओ। मूर्खों इधर आओ, सब चित्तीदार काली और चितकबरी भेड़ों को ले चलो। पिताजी आप बहुत चतुर हैं, आपने काली और चित्तीदार सभी भेड़े ले ली हैं। हम याकूब को कुछ भी नहीं देंगे। मूर्खों मैं याकूब को कुछ नहीं देने वाला, ये सब हमारी हैं। लाबान याकूब को कुछ नहीं देना चाहता था। उसने सारी चित्तीदार भेड़े और काली भेड़े अपने पुत्रों को दे दी। परंतु जब याकूब ने देखा तो वो समझ गया कि लाबान ने उसे फिर मूर्ख बनाया है। ओह, लाबान ने मुझे फिर मूर्ख बनाया। क्या हुआ प्रिय? क्या हुआ तुम्हारे पिताजी? इस बार उन्होंने क्या किया? यहाँ देखो, यहाँ सारी सफेद भेड़े हैं और वो मुझे मूर्ख बनाकर मेरी सारी भेड़े ले गए। ओह प्रिय, मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगती हूँ। और तुम्हारे भाई कहते हैं कि मैंने उनकी सारी संपत्ति चुराई है। परंतु क्यों उन्होंने यहाँ चोरी की? मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमारे पास है हमें वो सब लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फिर यहाँ आएंगे और जो कुछ है वो सब भी ले जाएंगे। हाँ याकूब, मैं सोचती हूँ हमें आज ही आपके देश चल देना चाहिए। हाँ, मेरे पिता के देश। तुम ठीक कहती हो राहिल, आज रात ही हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अगली सुबह याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति के साथ कनान देश की ओर चला। अरे, मैंने तुम्हें संभाल लिया, तुम ठीक हो? हाँ, बस जल्दी चलो। मैं जानता था कि वो धोखेबाज है। पिताजी, वो हमारी भेड़े भी ले गया। वो दो दिन पहले गया होगा चोर। पिताजी, हम उसके पाँव के निशान देख सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। चलो, हम उसके पाँव के निशान का पीछा करते हैं, हम उसे पकड़ लेंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे कुछ ही दिनों में पकड़ लेंगे। लाबान ने 7 दिनों तक याकूब का पीछा किया। 7वें दिन ईश्वर उससे कहते हैं, लाबान, तुम याकूब को नहीं छोड़ोगे, अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहोगे। जी मेरे ईश्वर, मुझे माफ करें। कुछ दिन बाद लाबान याकूब के पास पहुंचा, परंतु उसने ईश्वर की चेतावनी के कारण याकूब को हानि नहीं पहुंचाई। तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? मैं नहीं भागा था, ये सब मेरा है। मैं जब यहाँ आया था तब तुम्हारे पास कुछ ही भेड़े थी, आज तुम्हारे पास इतनी भेड़े हैं, ये सब मेरी मेहनत का फल है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर ईश्वर ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कमजोर की रक्षा के लिए ईश्वर है। हाँ ठीक है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है इसलिए आज ही हमें संधि कर लेना चाहिए। संधि? कैसी संधि? संधि इस बात की कि तुम हानि पहुंचाने हमें यहां से आगे नहीं आओगे। मैं फिर से तुम्हें नहीं देखना चाहता, ये मेरा वादा है। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं। लाबान अपने घर की ओर लौट गया और याकूब कनान देश की ओर चलने लगा।
याकूब ने अपने आने का संदेशा एसाव को भेजा, जाओ किंतु उसका दूत जब वापस आया तो उसने याकूब को बुरी खबर दी। मालिक, ऐसा उन्हें 400 सैनिक भेजे हैं, अब हम क्या करेंगे? हाँ, 400 सैनिक है वहां। हमें काफिले को दो भागों में बांट देना चाहिए। जी मालिक। आधा परिवार एक काफिले में और दूसरा परिवार दूसरे काफिले में, ताकि हम ऐसाओं के सैनिकों से बच सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है मालिक। ठीक है, जाओ और सबको बता दो। उस रात याकूब ने ईश्वर से प्रार्थना की और उनको हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि वे ऐसाओं को रोकें। हे मेरे ईश्वर, कृपया हमें ऐसाओं से बचाइए। आप कौन हैं? तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। रुके, क्यों? मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं और नहीं दौड़ सकता। अब से तुम याकूब नहीं इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा और फिर भी मैं जिंदा रह गया। आह, मेरे पांव में चोट लगी है, फिर भी मैं तैयार हूं, मुझे चलते रहना होगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। डरो मत प्रिये। मैं किसी से नहीं डरती, तुम हो ना? याकूब, तुम यहाँ हो? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम कहाँ थे? ऐसाओ। ओ मेरे भाई, बीते कल को भूल जाओ मेरे भाई। हाँ हाँ, धन्यवाद, मेरे परिवार से मिलो। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, ये ईश्वर की कृपा है। और वो जो मैंने रास्ते में भेड़े ऊंट पशु देखे थे, वो? हाँ, वो भी मेरे हैं, ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है। और ऊंट और बाकी पशु? हाँ, वो भी मेरे हैं, और ये सब मेरी तरफ से आपको भेंट। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, ये सब तुम रखो। मना मत करो मेरे भाई, मेरी तरफ से इन्हें स्वीकार कर लो। मुझे तुमसे उपहार नहीं चाहिए भाई, तुम तो मेरे साथ घर चलो। मैं चलूंगा मेरे भाई। इस तरह याकूब कनान देश लौट आया और ऐसाओ के साथ सुख से रहने लगा। फादर, याकूब की कितनी संतान थी? उसके 12 पुत्र और एक पुत्री हुई। तो बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ। जॉर्ज, मुझे इज़राइल शब्द का अर्थ बताओ। इसका अर्थ है फादर, जो ईश्वर और मनुष्यों से लड़कर विजयी हुआ। हाँ सही है, बैठ जाओ। मैथ्यू, एक अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए। हाँ फादर। तुम्हें याकूब की कहानी से क्या संदेश मिलता है? फादर, याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कमजोर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश मैथ्यू। कल मैं तुम्हें याकूब के बेटे और उसके सपनों की कहानी सुनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे।